निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसांग सांगे द्वारा हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान उन्हें अमेरिकी संसद में मिली एंट्री को लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। इस खास मौके को भुनाने के बाद लोबसांग सांगे अब धर्मशाला अपनी राजधानी में वापस आ चुके हैं। डॉक्टर सांगे ने कहा कि अमेरिका द्वारा पहली मर्तबा उन्हें अपनी सीनेट में बतौर प्रधानमंत्री बुलाया, ये उनके लिए बेहद गौरवपूर्ण पल था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनकी सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन को स्वीकृति दी है, जो कि उनकी अपने आप में ही बहुत बड़ी जीत है। इसके साथ ही सांगे ने कहा कि जो बाइडेन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पूरी तरह से आसीन हो जाएंगे तो वो धर्मगुरु दलाई लामा से भी मिलेंगे, जिसका उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सरकार ने तिब्बत पॉलिसी सपोर्ट एक्ट को कानून बना दिया है, जिसके तहत तिब्बत की राजधानी ल्हासा में अमेरिका का काउंसलर नियुक्त करने का चीन के समक्ष प्रपोजल रखा जाएगा। अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका में भी चीन का काउंसलर नहीं रखने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने धर्मगुरु दलाई लामा की ओर से निर्वासित तिब्बतियों को उपहार में दी गई लोकतांत्रिक प्रणाली को भी उन्होंने सराहा है। इसके अलावा तिब्बत में जो भी चीन के मानवाधिकार से जुड़े लोग हैं, जो कि तिब्बत के लोगों के अधिकारों का हनन करते आए हैं, उनको भी प्रतिबंधित किया जाएगा। बहुत अच्छा हुआ अमेरिकन सरकार ने वो टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट जो है वो कानून बना दिया है। उसमें हमारा तिब्बत के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट दिया हुआ है। कहा है कि हमारा राजधानी ल्हासा में अमेरिका का एक काउंसलेट ओपन करें, नहीं करेंगे तो चीन सरकार को अमेरिका में काउंसलेट ओपन करने नहीं देंगे। और जो रीइंकार्नेशन के बारे में जो है उसके बारे में अगर चीन सरकार इंटरफेयर करेंगे तो अमेरिकन सरकार सैंक्शन देगी, सैंक्शन करेंगे। और भारत और तिब्बत और हिमालय में जो हमारा तिब्बत इन्वायरमेंटली जितना इम्पोर्टेंट है, हमारे जितने भी रिवर पानी है उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो खास दौर में वो CTA जो है ये हमारा, उसको फॉर्मली एक्नॉलेज किया हुआ है। ये बहुत बड़ा विक्ट्री है, इसलिए हमारा जो डेमोक्रेसी जो है उनको परमपावन दलाई लामा जी ने हमें गिफ्ट दिया है, उसको बहुत तारीफ किया हुआ है। हाँ जी, तिब्बत इशू जो है बाईपार्टिसन इशू है, वेदर डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो हमें सपोर्ट करते आया हुआ है। इसलिए प्रेसिडेंट बाइडेन जब वो राष्ट्रपति हो जाएंगे और उन्हों कह चुका है कि वो परम पावन दलाई लामा जी से मिलेंगे और जितने भी चीन का वो कर्मचारी है उनको वो तिब्बत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है उनको भी सैंक्शन करेंगे, पनिश करेंगे। इसलिए हमारा तिब्बत के सपोर्ट वो चलते रहेंगे।